जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे ये जालीनुमा ट्रेन में ये जालीनुमा आकृति क्या करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रूफ वेंटिलेटर। रूफ वेंटिलेटर ये क्या करती है, जब ट्रेन में हम लोग सफर करते हैं तो क्या होता है, भीड़ जमा हो जाता है, तो भीड़ जमा होने से गर्म हवा हो जाता है। गर्म हवा क्या करता है कि ऊपर जाना शुरू कर देता है। गर्म हवा ऊपर जाना शुरू कर देता है तो गर्म हवा को निकालने के लिए, एग्जिट करने के लिए एक जालीनुमा आकृति बना दी जाती है। उस जालीनुमा का हम आकृति को हम लोग बोलते हैं रूफ वेंटिलेटर। उसमें क्या होता है कि ऊपर में इस तरह से हर कोच में बना दिया जाता है और ऊपर से एक ढक दिया जाता है। ऊपर देखिए वहां फिगर में ऊपर से ढक दिया जाता है और इस ढक ताकि अगर पानी पड़े तो डायरेक्ट इसमें पानी ना आए। और साथ साथ में ही हम लोग जानेंगे कि जो रेलवे के पंखे और बत्तियां होती है वो क्यों नहीं हम लोग के घर में चलता है, हम लोग के घर में क्यों नहीं चलता है, और पहले क्या होता था कि वो हम लोग के घर में चल जाता था। तो देखिए रेलवे के जो पंखा होते हैं उसमें क्या होता है, पंखे और बत्तियां में 110 वोल्ट डीसी करंट से वो चलता है, और हम लोग घरों में कितना आता है, मात्र 220 वोल्ट एसी करंट। तो अगर हम लोग लाएंगे 110 वोल्ट का डीसी करंट के और थूर के चलाएंगे 220 वोल्ट एसी करंट, तो कभी चलेगा, नहीं चलेगा। तो क्या, और हम लोग को घर में डीसी करंट कितना आता है, कितना रहता है, तो 5 5 नहीं तो 12 या 24, इससे ज्यादा नहीं होता। तो रेलवे ने क्या किया, देखिए छोटी इक्विपमेंट के लिए 5 5 होता है, और मतलब एवरेज इक्विपमेंट के लिए 12, और ज्यादा हैवी इक्विपमेंट के लिए क्या होता है कि 24 डीसी करंट हम लोग को यूज होता है हम लोग को घर में। तो रेलवे ने क्या किया, इससे बचने के लिए, चोरी से बचने के लिए क्या किया, उसने 110 वोल्ट डीसी करंट का उपयोग कर दिया, 110 वोल्ट डीसी करंट का, ताकि उससे जो है बॉल और बत्तियां चोरी ना हो। तो चोरी को बचाने के लिए 110 वोल्ट रेलवे ने डीसी वोल्टेज उसमें जाना शुरू कर दिया। तो अब हम लोग जानेंगे कि 110 वोल्ट डीसी करंट जाता कहां से है। तो देखिए उस ट्रेन में देखिए इस तरह से लगा हुआ रहता है बैटरी, नीचे में एक बैटरी लगा दी जाती है, इस बैटरी को ये बैटरी लगा दिया जाता है, इसी से जाता है 110 वोल्ट डीसी करंट। देखिए अब हम लोग जानेंगे कि जो है चार्जर, चार्जर जो है आधा से ज्यादा खराब रहता है। क्यों खराब रहता है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो क्या होता है, वोल्टेज तो उसमें कम जाता है, वोल्टेज डिक्रीज होने से करंट का मान बढ़ जाता है। तो अगर करंट इंक्रीज हो जाए तो उसका सारा वायर तो है जहां के तहां जल जाएगा। तो यही होता है कि जहां तहां जो है जल जाता है। तो जलने से क्या होता है कि हम लोग को चार्ज में लगाते हैं तो चार्ज नहीं होता, या आधा से ज्यादा इक्विपमेंट उसका चार्जर वगैरह खराब रहता है। तो जो हम इस तो इसीलिए जब हम लोग चार्ज में लगाते हैं तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन लिख दिया जाता है कि आप रात के 10 बजे से दिन के 6 बजे तक आप इसमें चार्ज में नहीं लगाइएगा। तो इसलिए लिख दिया जाता है कि अगर चार्ज में लगा के सो जाने से हो सकता है वो उसका आग आग लग जाए, क्योंकि उसका करंट का मान तो हमेशा बढ़ रहा है। तो इसलिए क्या करता है कि रात के 10 बजे से 6 बजे तक चार्ज में हम लोग को लगाने से मना कर देता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये इंडिकेटर क्या करता है, ये इंडिकेटर बैटरी को बताता है। बैटरी अगर इस इंडिकेटर में रेड लाइट जलता है तब तो ये दिक्कत वाली बात है, और अगर ग्रीन लाइट जलता है तो ठीक है। तो रेड लाइट जलने से ये हम लोग को देखने के लिए बनाया जाता है कि अब मेरा बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज। जब ट्रेन में हम लोग सफर करते हैं तो गेट के पास में, पायदनामा के पास में देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ रहता है साइड साइड फिलिंग, और एक तरफ लिखा हुआ रहता है लिफ्ट हेयर। तो इसका मतलब क्या होता है, तो लिफ्ट सबसे पहले जान लीजिए, लिफ्ट हेयर का मतलब होता है कि लिफ्ट मतलब उठाना। तो क्या होता है, यहाँ पे एक लगा दिया जाता है, मतलब उठाने वाला, यहाँ फिगर देख लीजिए, उसको लगा के उठा दिया जाता है। जबकि रोशन के समय, रोशन मीन समझते हैं, इसे पिछले वीडियो में हम बता दिए थे, रोशन उसको बोलते हैं जो कि उसको रिपेयरिंग, जो कि मेंटेनेंस को हम लोग बोलते हैं रिपेयरिंग, रोशन सॉरी मेंटेनेंस को रोशन बोलते हैं। तो उस मेंटेनेंस करने के लिए क्या करता है, यहाँ पे लिफ्ट देखिए वहां फिर लिफ्ट करके उठा दिया जाता है। तो ऐसे कहां पे पता चलेगा कि लिफ्ट कहां पर लगा, अगर बीच में कहीं लगा दो तो धस जाएगा, बीच में अगर लगा देगा तो धस जाए, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया जाता है पायदनामा के पास लिफ्ट ही है। तो यहाँ पर फंसा के उठाया जाता है, इस तरह से उठा करके उसको रिपेयर होता है, और जो कोच अलग हो जाता है और उसका जो एक्सल व्हील वगैरह है वो अलग कर दिया जाता है। और साथ साथ में हम लोग जो है पीछे के ये जो निकला हुआ रहता है इस तरह से, यहाँ देख लीजिए, यहाँ इस तरह से साइड बफर इसको बोलते हैं। तो साइड बफर में हम फंसा के ऊपर खींच सकते हैं और जो है कोच को अलग कर सकते हैं,
कोच को अलग कर सकते हैं। ये साइड बफर में इस तरह से फंसा करके ऊपर कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं साइड बफर। अब हम लोग जानेंगे साइड फिलिंग क्या होता है। तो अगर पायदनामा के पास साइड फिलिंग लिखा हुआ रहता है तो इसका मतलब होता है फिलिंग में होता है भरना, और साइड मीन्स किनारा, तो इस किनारे से भरना, मतलब इससे जो है पानी को भरा जाता है टैंकी में, टैंकी में पानी भरा जाता है, तो साइड इसको हम लोग बोलते हैं साइड फिलिंग। ये जब स्टेशन या जंक्शन पे आता है तो क्या होता है कि इस तरह से, इस तरह वहां भी फिगर देखिए, तो देखिए जो पाइप होता है वो 4 इंची का होता है, जो पाइप होता है 4 इंची का, इसको 20 मिनट में भरना रहता है, तो 20 इंच, और एक कोच में जो है चार मतलब टैंकी होते हैं, एक कोच में 4 टैंकी होता है, और एक टैंक में 500 लीटर रखता है, तो 500 × 4 = 2000 लीटर, एक कोच में 2000 लीटर पानी हम लोगों की आवश्यकता पड़ता है। तो साथ साथ में पाइप का जो है 4 इंची के पाइप से उसमें पानी डलाता है। वो कौन अंजाम देता है? तो रेलवे स्टाफ। तो रेलवे स्टाफ किस जगह पे ढूंढने जाएगा, अगर ये नहीं लिखा हुआ रहेगा साइड फिलिंग, तो किस जगह पे ढूंढने जाएगा, जगह जगह ढूंढते जाएगा कहाँ है कहाँ है, तो उसके लिए क्या लिख दिया जाता है साइड फिलिंग। तो वो जाकर के डायरेक्ट वो बिना सिर्फ देखता है कि साइड फिलिंग यहाँ पे है, और साइड फिलिंग उस जगह पे हम लोग तुरंत ट्रेन आने के बाद वहां पे वो अपना काम शुरू कर देता है। और अगर साइड फिलिंग नहीं लिखा हुआ रहेगा तो वो क्या करेगा कि जगह जगह खोजते चलेगा है कहाँ साइड फिलिंग है कहाँ, तो उसके लिए क्या करता है वहां पे लिख दिया जाता है कि साइड फिलिंग, और बगल में लिख दिया जाता है लिफ्ट हियर। तो लिफ्ट हियर समझ गए, और साइड